एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, फाइनली आज हमारा यहाँ से जाने का दिन आ गया है। एंड टाइम ना कितने जल्दी निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। सो सुबह का ही टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं एंड सारे गेस्ट लोग जा रहे हैं सुबह सुबह ही। एंड ये हैं बहू रानी, जिनका है ससुराल में पहला दिन। सो ये भी हमारी विदा करने में लगी हुई है। एंड उसके बाद फिर मामी जी विदा करेंगे एंड हम लोग सुबह सुबह ही यहाँ से निकल रहे हैं। माई हमारी तो हो गई, ये देखो हो गई, बाबू ने कर दी है। अबे तो बहू ने कह दी, अब खोटो आजान दो। का है पता? अरे भाई रन दो जी, जी कपड़ा एक साथ ना है, एक प्रियंका है। हाँ हाँ हाँ, मैं नहीं चाहने। साधना बेटू मत जाओ, क्यों सब लोगों की हो गई। मतलब हम तीनों गाड़ी में बैठे हैं ना, इस शादी के चक्कर में सबके पेट खराब हो गए। गर्मियों की शादी में होती है लू लपट सब चीज होती है। अब दादू यू लेते, दादू आपको यहाँ से आए थे, हम जंगीपुर से यहाँ से बाहर निकले थे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब मामा के यहाँ शादी करने गए थे, वहाँ से लौट के अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर। मतलब कि मैं जा रही हूँ अपने मायके, वहाँ रहेंगे हम एक दिन। और उसके बाद हमें, मतलब अभी इनके मामा जी के यहाँ प्रोग्राम था, अब मैं जाऊँगी मेरे वाले मामा जी के यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ पे भी ना डस्टोन का प्रोग्राम है, तो वहाँ पे जाना है, तो वो अटेंड करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे फिर दिल्ली। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर, मतलब कमालपुर जा रहे हैं, मायके जा रहे हैं। और दादू बहुत मिस कर रहे थे को, दादू रो इतने सारे पैसे मिले विदा में, क्या करोगे इस पैसे का? घर पे किसको दोगे? आपके पास पैसे नहीं है। सो चलिए अब चलते हैं अपने मायके एंड फिर जाएंगे उसके बाद, है ना? आपको दो दो। एंड यहाँ पे ना मौसम बहुत वैसा हो रहा है, एकदम गर्मी गर्मी। इस पानी से ना प्यास भी नहीं बुझ रही, सब लोगों का पेट खराब ना पानी की वजह से है, क्योंकि ना पानी यहाँ का पता नहीं अजीब सा लग रहा है। मम्मा मिट्टी का पानी होता है? अरे मिट्टी का तो मतलब कुएं का था, इसीलिए भारी पानी है। एकदम खारा भी था मम्मा, ये मिट्टी का स्वाद है। मिट्टी का स्वाद है, मिट्टी का स्वाद इसीलिए है क्योंकि वो था कुएं का पानी। ठीक है, ये मैंगो लगे हैं देखो कितने सारे, वाह मैंगो मैंगो मैंगो, फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स बेचने जा रहे हैं। सो अभी हम लोग उतरे हुए हैं यहाँ पे रास्ते में पड़ता है माता टीला डैम। डैम देखने के लिए उतरे हुए हैं, बहुत बड़ा डैम है। जो इधर बुंदेलखंड साइड के होंगे उन लोगों को पता होगा इस डैम के बारे में, माता टीला डैम करके है। ये देखिए यहाँ से अभी तो गेट बंद है सारे, अभी सारे गेट बंद हैं। एंड ये है बेतवा नदी, है ना, बेतवा नदी का डैम है ये, तो वहाँ से उधर जाता है। एंड ये भरा हुआ है इधर पानी, ये डैम, और जब ये गेट खुल जाते हैं ना तो ये पूरा भरा हुआ जाता है। मतलब बेतवा नदी एकदम उफान पे जाती है जब ये सारे डैम के ना गेट खुल जाते हैं। तो ये है डैम, कैसे लेके जा रहे हैं उसको, ये देखो कितना सारा पानी बेटू। नीचे मत करना गिर जाएगा। ये गेट है, जब ये खुल जाता है ना, अभी सारे गेट बंद है ना, इसलिए सारा सूखा सूखा दिख रहा है यहाँ पे। तो बाढ़ आई थी, पूरा पानी ऊपर से बहने लगा था डैम के। वो जो मालम देवी मंदिर तोड़ने की सोच रहे थे, दो तोप लगा के क्या? अरे जो अच्छा डैम जुड़ा है, कैसे आएगा? ये ऊपर है ना मोटर लगी है, मोटर से उठाते हैं वो नीचे का गेट। ये जो रस्सी बनी है तार जैसी, इससे नीचे का वो लोहे का गेट उठता है, फिर पानी ऐसे जाता है नीचे से, नीचे से निकल जाता है। तो दुल्हन जा रही है इसमें, विदा हो गई। गॉड जी फॉर गॉड, ये है गॉड जी फॉर गॉड। आ गए प्रियांशु भैया के पास, आप आ गए घर, है ना? हम लोग घर पहुंच गए हैं, रुदान पहुंच गए अपने मामू के घर। स्कूल जा रहे होंगे सारे लोग? नहीं, बच्चों के एग्जाम हो गए हैं, बच्चे भी यहीं पे मिलेंगे सारे कमालपुर।
बुलाता है। चलो आ जाओ। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर यानी कि मायका। ये देखो हमारा घर। एंड मुझे दरवाजा खोलने के लिए इन्होंने गाड़ी से उतार दिया था। बाय। सो मैं यहाँ पे पहले डोर क्लोज करूंगी एंड उसके बाद जाएंगे हम भी और सब लोग होंगे अंदर। सो फाइनली 1 मंथ बाद मैं आई हूँ फिर से मायके। इस बार ना मैं बहुत लंबे टूर पे निकली हुई हूँ, मतलब कि हम लोग जनवरी में आए हुए थे तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। फिर हमने यहाँ पे शादी अटेंड की एंड मैं मायके में भी रही। उसके बाद अभी मामा जी के यहाँ शादी थी वो की एंड अभी मामा जी के यहाँ जाना है मुझे, मेरे वाले मामा जी के यहाँ जाना है तो वहाँ जाएंगे हम लोग आज। एंड चलिए अंदर चलते हैं, वही बातें करेंगे अंदर सबसे मिल के। एंड ये देखिए, ये देखो कितने सारे फूल खिले हुए। एंड अंदर चलते हैं, सबसे मिलेंगे वहीं पर। रुद्रांश इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, गाड़ी का गेट खोल के भाग गया। ओ कितने सारे मैंगो लगे हुए हैं, ये देखो। क्यों? कॉलेज टाइम, स्टडी टाइम या टाइम पास टाइम? अरे 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 पानी लगा दे सब। ये तो गया भाग के भैंसों के पास। देखो सब लोग वहीं पे हैं, भैंसों वो बैठा हुआ है, भाग के गया सीधे वहीं पे।